देश के बड़े बड़े मंदिरों की तर्ज पर अब उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। लेकिन ये सुविधा मुफ्त नहीं है, बल्कि इसके लिए पैसे लगेंगे। आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। चार कैटेगरी में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को ये सुविधा दी है। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर यहाँ भी विधायक और मंत्रियों को छूट मिलेगी। कैसे ये सुविधा मिलेगी, कहाँ और कैसे पर्ची कटेगी और किस से कितना चार्ज लिया जाएगा, ये सब आपको बताएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके काम का है। डीसी उन्नाव और मंदिर न्यास से मिली जानकारी के मुताबिक वीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए की पर्ची कटेगी और एक पर्ची पर 5 श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी और तीसरी कैटेगरी में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगों की पर्ची 50 रुपए में कटेगी और उनके साथ एक एक अटेंडेंट जा सकता है, जबकि मंत्री, विधायक और सांसदों को वीआईपी दर्शनों की सुविधा निशुल्क ही रहेगी। बता दें कि जो लोग वीआईपी दर्शनों के इच्छुक हैं, उनके लिए प्रशासन ने मंदिर से 900 मीटर दूर बाबा श्री माई दास सदन में बने वेटिंग हॉल में बैठने की व्यवस्था की है। मां के दर्शनों के लिए यही आपकी वीआईपी पर्ची कटेगी और इसके बाद पर्ची के ही रेट पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के जरिए मंदिर प्रशासन आपको वेटिंग हॉल से मंदिर तक और मंदिर से वेटिंग हॉल तक लाएगा और यहीं से ले जाएगा। मंदिर न्यास ने अपनी पिछले माह की बैठक में निर्णय लिया है कि भारत के जो बड़े मंदिर हैं, जैसे उज्जैन महाकाल है, शिरडी साई बाबा का मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, वहाँ सभी जगह जो एक सुगम दर्शन प्रणाली रहती है, जिसमें श्रद्धालु जो कि दूर से आ रहा है और किसी कारण वो जो है वो इस अपने संसाधन रखता है और किसी कारण जो है वो शीघ्र दर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए सभी बड़े मंदिरों में ये व्यवस्था है कि सुगम दर्शन की प्रणाली बनाई गई है, जिसमें एक कोटा जो है मंदिर प्रशासन डिसाइड करता है और एक अलग जो लाइन है वो सुगम दर्शन के लिए लगाई जाती है, जिसमें पेड व्यवस्था जो है वो रहती है। इसमें इसी व्यवस्था के अंतर्गत जैसे हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि वो लाइन में वेट नहीं कर सकते, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिटिकल इलनेस से जो है वो अफ्लिक्टेड है और वो उसको शीघ्र दर्शन की आवश्यकता है, उन लोगों को भी इसमें रखा हुआ है। साथ ही मंदिर में बहुत सारा प्रोटोकॉल रहता है, तो उस तरह के प्रोटोकॉल को केटर करने के लिए भी एक सुगम दर्शन प्रणाली जो है वो लागू की गई है। इसमें हमारा जो बाबा माई दास सदन है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है लिफ्ट ब्लॉक के थ्रू दर्शन करने के लिए जो है पास बनाए जाएंगे, उसमें जो प्रोटोकॉल के पास हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है केटर करेंगे, जैसा कि सरकार की व्यवस्था है पहले से ही। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए एक अटेंडेंट के साथ 50 रुपीज़ का पास रखा गया है और उनको फ्री जो है वो हम इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें बाबा माईदा सदन जो कि 900 मीटर दूर है टेंपल से, वहाँ टू एंड फ्रो जो है वो मंदिर प्रशासन उनको लेके जाएगा लिफ्ट तक और लेके आएगा वापस। और इसी प्रकार सीनियर सिटीजन्स को भी जो है वो हमने 50 रुपीज़ विथ वन अटेंडेंट जो है उनको अलाउ किया है कि वो लिफ्ट के माध्यम से पास बना के वहाँ से जा सकेंगे। इसके अलावा जितने भी जो व्यक्ति हैं वो देखने में ये आया प्राय कि बहुत सारे जो है लोग लिफ्ट पे डिमांड रहती थी लिफ्ट से जाने के लिए, तो बिना जो हमारे लाइन में जो आम लोग लगे रहते हैं जो वेट करते हैं माँ के दर्शन, बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए हमने ये प्रयास किए हैं कि उनको मैक्सिमम 1 घंटे में सभी व्यक्ति जो हैं वो दर्शन करके फ्री हो जाएं। बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए कोटा फिक्स किया गया और उसमें अगर कोई सुगम दर्शन करना चाहता है तो 1100 रुपये एक पास के, जिसमें 5 व्यक्ति अलाउड होंगे, उसकी व्यवस्था हमने उसमें सुगम दर्शन में की है। एक तरफ प्रशासन ने व्यवस्था परिवर्तन किया तो दूसरी तरफ पुजारी वर्ग इस व्यवस्था के विरोध में उतर आया। मंदिर के पुजारी वर्ग ने इस मामले को लेकर एकजुट होते हुए नारेबाजी कर नई व्यवस्था पर विरोध किया, जबकि डीसी उना राघव शर्मा का कहना है कि इस मामले में जल्द बैठक आयोजन किया जाएगा और पुजारी वर्ग के साथ इस मामले को सुलझाकर व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। इसमें पुजारी वर्ग जो है उन्होंने मुझसे एक मीटिंग के लिए आज समय लिया है, तो उनके क्या कंसर्न्स हैं वो मीटिंग में हम सुनेंगे और जो व्यवस्था है, देखिए व्यवस्था जो है व्यक्ति से सर्वोपरि है, तो उनके क्या कंसर्न्स हैं वो उसको हम सुन के फिर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये फैसला लेने के पीछे मंदिर प्रशासन का तर्क मंदिर की आमदनी को बढ़ाना है,
इसके अलावा श्रद्धालुओं को हवन डालने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग करवाने की व्यवस्था और श्रद्धालुओं को ऑनलाइन प्रसाद घर तक पहुंचाने के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुजारी वर्ग ही फैसले के विरोध में उतर आया है। लिहाजा देखना होगा कि आखिर मंदिर न्यास का ये फैसला श्रद्धालुओं के लिए कितना फायदेमंद होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।